vadanti tat tatva vidas tatvam yajgyanam advayam brahmeti parmatmeti bhagavaneti shabdyate. जो अद्वैय ज्ञान तत्व है वही परमार्थ वस्तु है. अद्वैय शब्द क्यों कहा? वो एक है, उसमें कोई विभाग नहीं, भेद नहीं. भेद होगा तो द्वैय हो जाएगा. एक और एक का भेद हुआ, द्वैत हो गया. इसीलिए युगल उपासना में राधा और कृष्ण को युगल दोनों को बराबर महत्व दिया गया. एक को ज्यादा एक को कम करोगे तो ठीक नहीं. एक को ज्यादा एक को कम करने में दो नहीं होगा, डेढ़ हो जाएगा, सवा हो जाएगा. युगल माने कि दोनों का बराबर महत्व है. इसीलिए महात्माओं ने सिद्धांत संभल कर कहा है, गिरा अर्थ जल बीज सम कयत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जी नहीं परम प्रिय खिन्न. उपमा भी संभल के दिया गोसाई जी ने. युगल तत्व में कोई सवा डेढ़ न हो जाए. गिरा अर्थ, गिरा माने वाणी, अर्थ माने उसका अर्थ. गिरा स्त्रीलिंग है, अर्थ पुल्लिंग है हिंदी में. फिर उन्होंने उपमा बदल दिया, जल और वीची. जल में पहले पुल्लिंग कर दिया और वीची स्त्रीलिंग पीछे किया, जिससे शक्ति शक्तिमान दोनों का बैलेंस बराबर रहे. नहीं तो कोई कह सकता है शक्ति प्रधान है, केवल गिरा अर्थ की उपमा रखते तो गिरा स्त्रीलिंग है, अर्थ पुल्लिंग है. स्त्री की प्रधानता से शक्ति की प्रधानता हो जाती है, शक्तिमान गौड़ हो जाता. इसलिए जल बीची किया, जल पुल्लिंग है, वीची स्त्रीलिंग है. उसमें पुल्लिंग प्रधान, स्त्रीलिंग गौड़, तो दोनों उपमाएं इसीलिए रखा कि दोनों का समान महत्व है, तभी युगल उपासना बनेगी. गिरा अर्थ जल बीच सम, सम माने समान, दोनों समान रहें तो एक एक दो होगा, युगल उपासना बनेगी. गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, कहने के लिए
ये भिन्न हैं लेकिन वस्तुतः दोनों एक ही हैं, ना भिन्न ना भिन्न इसलिए कहा कि लीला दृष्टि से अलग होते हुए भी दोनों अद्वय तत्व हैं, उपास तत्व हैं। बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। सीताराम लीला दृष्टि से सीता जी और राम जी जिनको खिन्न उदास संसार को छोड़े हुए लोग ही प्रिय होते हैं, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। संसार से प्रेम करने वाला भगवान को प्रिय नहीं हो सकता है। इस तरह से अद्वय ज्ञान तत्व क्या है, जिसमें कोई भेद नहीं हो। भेद तीन प्रकार के होते हैं, सजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद। सजाति भेद जैसे हम लोग मनुष्य जाति के हैं, इसमें भी मनुष्यों में भी अलग अलग शकल, अलग अलग प्रकृति, अलग अलग गुण धर्म, सजाति भेद है। एक जाति के होते हुए भी अनेक वर्गों में बटे हुए हैं, इसको सजातीय भेद कहते हैं। विजातीय भेद क्या है, जैसे मनुष्य जाति अलग है, पशु जाति अलग है, आकाश में उड़ने वालों की जाति अलग है, इसको विजातीय भेद कहते हैं। तीसरा भेद होता है स्वगत, जैसे हम लोगों का जड़ शरीर अलग है, जीवात्मा अलग है, ये स्वगत भेद है। हाथ अलग, पांव अलग, सिर अलग, पेट अलग, ये सब स्वगत भेद में आते हैं। तो कोई भी भेद न होना वो अद्वय तत्व बोला जाता है। ज्ञान तत्व भगवान है, वो ज्ञान स्वरूप है, अज्ञान का वहां प्रवेश भी नहीं है। स्वरूप से ही जैसे आया कि सकृत यदंग प्रतिमांतराहिता, अघासुर के प्रसंग में आया, दशम स्कंद 12वें अध्याय में सकृत यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम। कि भगवान कैसे हैं, एक बार भी मन में उनकी प्रतिमा ध्यान करने वाला माया को जीत देता है। सकृत यदंग प्रतिमा, उनके अंग की प्रतिमा ध्यान, सकृत यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी
मन में एक बार भी भगवान की प्रतिमा ध्यान में आ जाए तो भागवतीम ददौ गतिम, उत्तम भागवती गति मिल जाती है। और वही भगवान सैव नित्यात्म सुखानुभूति व्युद्यस्त माया, वही भगवान जो नित्य आत्म सुखानुभूति से उन्होंने माया को नित्य परास्त कर रखा है, वही भीतर चले गए। सैव नित्यात्म सुखानुभूत्यभिव्युदस्त मायां मायोंतर्गतो हि किंपना, आत्म सुखानुभूति से जिन्होंने अभिव्युदस्त माया, माया को सदा तिरस्कृत कर रखा है, वे भगवान उसके मुंह में चले गए, पाप रूप था तो उसका क्यों ना उद्धार होगा। सैव नित्यात्म सुखानुभूत्यभिव्युदस्त मायोंतर्गतो हि किं पुनः, आत्म सुखानुभूति से जिन्होंने सदा माया को पराजित कर रखा है, यानी वहां माया एक क्षण भी विलज्जमानया यस्य स्थातुम इच्छा पथे मुया, माया भगवान की दृष्टि के सामने रुकी ही नहीं सकती है। ये बात ब्रह्मा जी ने दूसरे स्कंद में ठीक 2.5.13 में कहा गया है कि माया तो उनकी दृष्टि के सामने खड़ी नहीं हो सकती। विलज्जमानया यस्य स्थातुम इच्छा पथे मुया विमोहिता विकथन्ते ममाहिमिति दुर्धयः, भगवान सदा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। यही बात भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि, भगवान जन्माद्यस्य तूर्णव्यादितर्तश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदय आदि कव्ये मुह्यन्ति यत्सूर्यः, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा, धामना स्वेन सदा निरस्त कोकम सत्यम परम धीमहि। जिन भगवान से अस्य मनि संसार का जन्म आदि पालन प्रलय इत्यादि होता है, अन्वय पद्धति से इतरतः व्यतिरेक पद्धति से, यानी उनसे ही होता है और किसी से नहीं होता, तो अन्वय व्यतिरेक दोनों दृष्टि से अस्य इस संसार का जन्म पोषण प्रलय आदि माने तीनों मिला करके, और जो भगवान अर्थेष्वभिज्ञ सभी पदार्थों में सभी स्थितियों में ज्ञानवान हैं, जो भगवान स्वराट स्वेनैव राजते, जैसे हम लोग दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, भगवान स्वराट हैं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, स्वेनैव राजते,
जिन भगवान ने तेने ब्रह्म, ब्रह्म माने वेद का विस्तार किया, हृदय अंतःकरण में किसको किया, आदि कवि ब्रह्मा को। सबसे पहले ब्रह्मा को भगवान ने अपना ज्ञान दिया। मुह्यंति यत् सूर्य, जिनके बारे में बड़े बड़े सूरी लोग भी मोहित हो जाते हैं, इनके स्वरूप को नहीं जान सकते हैं। इस सारा संसार तेज, वारी, जल और मिट्टी में जैसे विनिमय होता है, प्रतिबिंबित होते रहते हैं, जैसे पानी में प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है सूर्य बिंब का, या मिट्टी में शीशा में मुख देते हैं, या तेजमय पदार्थों में दिखाई पड़ता है जल, मृग मरीचिका आदि में एक दूसरे का विनिमय होता है, उसी तरह स्त्री सर्ग, ये तीनों प्रकार की सृष्टियां जहां अमृषा सत्य जैसी दिखाई पड़ती हैं, और है मृषा लेकिन अमृषा दिखाई पड़ती हैं, लेकिन वो भगवान उनका स्वरूप ऐसा है, धामना अपने तेज से, स्वेन धामना, सदा इस कुहक कपट रूपी माया को निरस्त किए बैठे हैं। इसलिए वो स्वरूप लक्षण क्या है, सत्यम परम धीमहि, वो भगवान सत्य स्वरूप है, मृषा नहीं है, परम स्वरूप है। ये सब जो ऊपर बताए गए तटस्थ लक्षण थे, उनका स्वरूप लक्षण है सत्यम परम, उसका हम ध्यान करते हैं। तो निरस्त कुहुकम से मतलब उसके स्वरूप से ही उसने कपट माया को तिरस्कृत कर रखा है सदा के लिए, इसलिए वहां वो अद्वय ज्ञान तत्व है, वहां दो विभाग नहीं है, जीव अलग है, माया अलग है, ब्रह्म अलग है, ये सब विभाग नहीं है जहां। सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य है, किसी प्रकार का भेद नहीं है, उसको अद्वय ज्ञान तत्व कहा गया। अद्वय इसलिए कहा गया कि मायाकृत जो भेद की प्रतीतियां हैं वो वहां नहीं हैं, क्योंकि धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम, अपने स्वरूप तेज से ही कुहक कपट ये सब भेद तिरस्कृत कर रखा है। तो अब यहां प्रश्न आता है कि जब वो अद्वय तत्व है, उसमें भेद है ही नहीं है, तो निरस्त कुहुकम कहने की क्या जरूरत, या अस्य जन्मादि, इस संसार का जन्मादि कहने की क्या जरूरत। एक शंका आती है कि संसार है, जब ही तो तुम उसका जन्म, उसका पालन आदि माने उसका संहार कर रहे हो, यदि अस्य संसार है ही नहीं है, तो उसका जन्म पालन और प्रलय करने की जरूरत क्या है।
अद्वय वो कहां रहा, ये शंका आती है। जब कोई है, यानी इस संसार का जन्म, इस संसार का पालन, इस संसार का प्रलय, वो है तभी तो तुम कह रहे हो। तो वस्तु अद्वय कहां रहा, यानी भगवान और संसार, ये दो चीजें हो गई। फिर तुमने ये कहा कि तेने ब्रह्म, उसने वेद का उपदेश आदि कवि ब्रह्मा को दिया, तो ब्रह्मा भी है। जभी तुमने कहा सूर्य, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े सूर्य माने क्रांतिदर्शी शक्तियां हैं, तभी तो तुमने कहा। तो ये सब भेद नहीं है क्या, ये सब भेद है। तब अद्वय तत्व तुमने क्यों कहा, ये शंका आती है कि वो अद्वय नहीं है, उसके अंदर भेद है। इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर सुन लो, क्योंकि ये बड़ी गंभीर शंका है। पहला जो शंका तुम्हारी है, अस्य माने इस संसार का जन्म पालन प्रलय, ये सब तुम कहते हो है, संसार एकदम मिथ्या नहीं है, संसार है इसीलिए इसका जन्म होता है, इसीलिए इसका पालन होता है, इसीलिए इसका प्रलय होता है। ब्रह्मा भी हैं, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा नहीं है, इसलिए उनका कहा कथन किया गया भागवत में। ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, सूर्य में सब आते हैं, अनेक अवतारों का वर्णन होगा वो भी हैं, लेकिन वो अद्वैत ज्ञान तत्व के भीतर ही आएंगे, क्योंकि स्वयं सिद्ध सत्ताएं नहीं है इन सब की। ये उत्तर हुआ, भेद है, संसार है, माया है, इसकी रचना होती है, इसका पालन होता है, इसका संहार होता है, लेकिन स्वयं सिद्ध सत्ता जिसकी होती है उसको अलग तत्व गिना जाता है। इस संसार की सत्ता नहीं है, सत्ता एक उसी वस्तु की है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्येव मोह सहाया। सत्य की तरह दिखाई पड़ रही है, लेकिन इसकी कोई अलग सत्यता नहीं है, इसकी अलग सत्ता नहीं है। सत्ता एक ही भगवान की है, और उस कारण से इस सत्य दिखाई पड़ रहा है। सत्ता एकमात्र उसी की है। मयाध्यक्षिण प्रकृति सुविते सचराचरम, ये माया प्रकृति मयाध्यक्षिण
भगवान की सत्ता से सत्ता वाली होकर के संसार को पैदा करती है, बनाती है, ये सब काम करते हैं। ये भगवान ने मयाध्यक्षेण प्रकृति सुविते सचराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगत विपरीत वर्तते। ये उन्होंने नौ बटा दस में कहा है कि सारा संसार पैदा होता है चर अचर प्रकृति के द्वारा और प्रकृति में लीन हो जाता है। सात बटा सात नहीं, नौ बटा सात सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। अनंत संसार हे कुंती के बेटे अर्जुन, मामिकाम प्रकृतिम मेरी प्रकृति में चले जाते हैं, लीन हो जाते हैं और कल्प के अंत में प्रलय के समय, कल्पक्षय माने प्रलय के समय मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और कल्प आदि माने सृष्टि के शुरू में मैं उनको विसृजामी फिर से रचता हूं। इस तरह से प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामी पुनः पुनः, प्रकृति का सहारा लेकर के मैं बार बार रचना करता हूं, पुनः पुनः प्रकृतिम यान्ति पुनः पुनः प्रकृतिम अवष्टाभ्य विसृजामी। ये अन्वय लगाओ कि बार बार ये प्रकृति में लीन हो जाते हैं और बार बार प्रकृति का अवष्टभ्य सहारा लेकर के मैं रचना करता हूं। मुझे नहीं बांध सकते, नजमाम तानि कर्माणि निबधन्ति धनंजय, क्योंकि मैं असक्त हूं, प्रकृति से अलग हूं, कभी उससे आसक्त नहीं होता हूं। ये सब काम प्रकृति करती है, यानी भगवान की सत्ता से ही प्रकृति पैदा करती है, जड़ में परिवर्तन नहीं होता है। बिना चेतन की सत्ता के हेतुना नैन कौन्ते जगत विपरिवर्तते, इस संसार में परिवर्तन होता रहता है। इस कारण से, कारण क्या है, नौ बटा आठ भूतक ग्रामम इमम कृष्णम अवशम प्रकृतेर वशात, सारे जीव प्रकृति के वश में हैं, मेरी शरण में नहीं है। मेरी शरण में आने पर तो दैवी हिषा गुणमयी ममाया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, माया से पार हो जाएंगे। लेकिन हेतुना अनेन कौन्ते, उसका कारण है भूतक ग्रामम एमम कृष्णम अवशम प्रकृतेर वशात, प्रकृति की शरण में है। यही बात भगवान ने कई जगह कही है कि अर्जुन, बात यह है कि आठवें अध्याय में भी कहा है
19वें श्लोक में भूतग्रामा सेवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीते रात्रागमे अवशः परार्थ प्रभवत्यहरागमे, बार बार लीन होते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, उसका कारण यह है कि प्रकृति के शरण में है। प्रकृति की शरण छोड़ करके मेरी शरण में आ जाएं, सब झगड़ा खत्म हो जाए। अच्छा, अब ब्रह्म में अनंत विरोधी शक्तियां हैं। श्रुति कहती है परास्य शक्तिर विविधाई श्रुते स्वाभाविकी ज्ञान बलक क्रिया च। ब्रह्म में अनंत शक्तियां हैं, स्वाभाविकी है। बृंगणत्वाद ब्रह्म, बृंगत्वाद बृंगणत्वाद ब्रह्म। ब्रह्म की परिभाषा क्या है? सबसे बड़ा है बृंगत्वाद ब्रह्म और बृंगणत्वाद ब्रह्म। जो उसको शरण में आता है उसको भी बृंगणत्व बढ़ा देता है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। स्वभाव की शक्तियां हैं, औपाधिकी नहीं है, काल्पनिक नहीं है। तो इसलिए संसार अलग नहीं है, सत्ता उसी की है। दिखाई पड़ रहा है काल और प्रकृति ये विजातीय हैं ब्रह्म से। ब्रह्म का जो स्वरूप है सत्य स्वरूप, उससे अलग दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इनकी स्वतः सत्ता नहीं है। मायाध्यक्षेण है, जासु सत्यता ते जड़ माया। जड़ पदार्थ विजातीय है, लेकिन ये जो विजातीय है इसकी अलग सत्ता नहीं है, इसलिए ये द्वैत नहीं तुम कह सकते हो। सत्ता एक भगवान की है, इसलिए काल प्रकृति जितने हैं स्वतः सिद्ध सत्ता अलग नहीं है, उसके अधीन हैं, इसलिए अद्वैत तत्व वही एक ही रहता है। फिर बोले कि तुम्हारे यहां अद्वैत वाले बोले कि नारायण आदि भेद अवतारे के तुम मानते हो, वो क्यों है? वो तो चिन्मय मानते हो, भगवान के सभी अवतार चिन्मय हैं, राम नारायण ये अलग अलग तुम मानते हो। बोले वो सजातीय भेद है, काल प्रकृति विजाति भेद है, नारायण राम आदि सजाति भेद हैं। यदि भेद नहीं मानोगे तो लीला कैसे चलेगी? लेकिन वही उत्तर वहां भी है, सजाति भेद होते हुए भी सत्ता एक ही भगवान की, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चांश कला पुंसः, कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
इंद्रारी व्याकुलम लोकम लोके मृडयंती युगे युगे। नारायण भी चिन्मय हैं। वैकुंठ का वर्णन जब ब्रह्मा जी ने कहा, प्रवर्तते यत्र रजस तमस्तयो, ये श्लोक आता है दूसरे स्कंद में, जहां सत्वम च मिश्रम न च काल विक्रमः, दो नौ दस वाव। दो नौ दस, प्रवर्तते यत्र रजस्तमो तमः सत्वम च मिश्रम न च काल विक्रमः। भगवत धाम का वर्णन किया है, जहां रजोगुण तमोगुण और इनसे मिला हुआ सतोगुण, जिस धाम में काल नहीं घुस सकता है, काल का पराक्रम नहीं है, जहां माया नहीं है, जहां हरे अनुप्रता भगवान के भक्त लोग रहते हैं, सुर असुर उनकी पूजा करते हैं, तो बोले तुम स्वयं मानते हो कि चिन्मय धाम है और उसमें नारायण हैं, वे श्री कृष्ण से पृथक हैं, उनकी महालक्ष्मी है प्रिया, कृष्ण की राधा हैं। बोले सजाती भेद तो तुम भी मानते हो। सजाती भेद हम मानते हैं, किंतु स्वतः सिद्ध सत्ता उनकी नहीं है। अद्वय ज्ञान तत्व एकमात्र कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वे एक ही है, इसलिए तुम, हमने ये भी कहा है, ब्रह्मा जी ने कहा, इस बात का उत्तर दिया है, चौदहवें अध्याय दशम स्कंद चौदहवें अध्याय में चौदहवा श्लोक है, हैं? देखो, नारायणस्त्वम, यही है, दस चौदह चौदह। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया है कि नारायण की स्वतः सिद्ध सत्ता नहीं है, कृष्ण ही उनकी सत्ता है, इसका अर्थ लगा लो। हे कृष्ण, तुम ही नारायण हो। नारायणस्त्वम नहि सर्वदेहिनाम, सबकी आत्मा हो तीन कारणों से, अधीश हो, साक्षी हो, इन तीन कारणों से मूल नारायण आप ही हो। आत्मा हो, अधीश प्रवर्तक हो, साक्षी हो दृष्टा हो। अनंत जीव हैं, अनंत अवतार हैं, उनके मूल में तुम ही हो। बोले तुम तो नारायण को अलग बताते हो कि जल में से उनका शयन है,
उत्तर देते हैं नारायणो अंगम, वो नारायण तुम्हारे अंग हैं। बोले कैसे? नर भू जलायनात, सबसे पहले नर से उत्पन्न हुआ जल, उस जल में अयन है जिनका, उसको नर भू जलायनात कहते हैं। तच्चापि सत्यम, वो भी सत्य स्वरूप है। न तवैव माया, माया का जो मोहिनी माया प्रकृति है वो वहां नहीं है, इसलिए स्वतः सिद्ध सत्ता विजाति भेद में भी नहीं है। काल प्रकृति विजाति भेद है और नारायण आदि सजाति भेद में भी स्वतः सिद्ध सत्ता, स्वतः सिद्ध सत्या नहीं, सत्ता नहीं है। स्वतः सिद्ध सत्ता किसी की नहीं है, न काल की है, न प्रकृति की है, न नारायण की है, न गुणावतारों की, ब्रह्मा आदि की है। स्वतः सिद्ध सत्ता होने से अद्वय शब्द का खंडन होता है। सत्ता तो एक ही है, अद्वय सत्ता एक ही है, अद्वय ज्ञान तत्व वही है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और इस बात को दशम स्कंद में भी प्रारंभ में ही कही गई है, गर्भस्तुति में, कि हे कृष्ण, देवताओं ने जब स्तुति किया है तो वहां सभी अवतारों को वर्णन हुआ आया, 40वां 10-2-40 मत्स्याश्व कच्छप नृसिंह वराह हंस राजन्य विबुधेषु कृतावतार त्वं पासि नस्त्रिभुवनम च यथा धुनेश भारम भुवो हर यदूतम वंदनम ते। मत्स्य अवतार, आप ही मछली बने थे, इसकी अलग सत्ता नहीं है। अश्व है ग्री अवतार, कच्छप आप ही कच्छप बने थे, इनकी अलग सत्ता नहीं है। नृसिंह अवतार, आप ही नृसिंह बने थे। वराह अवतार, पृथ्वी का उद्धार किया,
नृसिंह बन करके हिरण्यकश्यप को मारा, हंस हंसावतार में ब्रह्मा जी की शंकाओं को दूर किया, राजन्य माने रामावतार, किए चरित प्राकृत परम पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, भगत हेत भगवान प्रभु नाम रूप धरे तन भूप, राजन्य अवतार है। विप्र परशुराम विबुधेशु वामन, ये सब आपने कृतावतार, आपने अवतार धारण किया। तुम पासी तुम हमारी रक्षा करते हो, न माने हम सब की देवताओं की, ये हम सब से मतलब है। 25वां श्लोक देख लो, 10-2-25, ब्रह्मा जी हैं, भाव माने शंकर जी हैं, समस्त देवता हैं, देवई सानुचरी साकम गीरभीर वृष्णमय डयन, हम सब की रक्षा करते हैं। न ब्रह्मा की अलग सत्ता है, न भाव माने शंकर की अलग सत्ता है, न जितने नारदादि हैं 25 अवतारों में आते हैं, किसी की अलग सत्ता नहीं है, और उनके अनुचरों के भी अलग सत्ता नहीं है। त्वम मास पासी नह हम सबकी, और त्रिभुवन ये विजाति भेद दिखाई पड़ रहा है, तीनों लोग जो माया के बने भए हैं, ऊपर वाले कृतावतार सजाती भेद हो गए, ये त्रिभुवन विजाति भेद है, लेकिन इन सब की सत्ता एक ही है। आप ही पृथ्वी का भार हरण करते हो, यदुत्तम हे श्री कृष्ण, तुम्हारी हम वंदना करते हैं। तो इसलिए सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य हैं, जो अद्वैत तत्व उसी का लक्ष्य यहां किया गया है। भले ये क्यों अवतार भेद किया गया, इसका उत्तर क्या है? बोले पहले कहा गया अवतारा या संख्या, भगवान के असंख्य अवतार होते हैं, और उन अवतारों में मूर्त और अमूर्त दो प्रकार का आविर्भाव होता है। अमूर्त अवतार ब्रह्म है, आनंद रूप है, अमूर्त अवतार भगवान है, उसमें मूर्तत्व धर्म आ गया। मूर्तत्व धर्म क्या है? मूर्तत्व धर्म होने से वो इंद्रियों से ग्राह्यता उसमें आ जाती है। अमूर्तत्व धर्म क्या है? वो इंद्रियों से अग्राह्य बना रहता है। बोले क्या है झगड़ा भाई? ये वेदों में ही इसका वर्णन किया गया है। जैसे
श्वेताश्वर उपनिषद में वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, इसका अर्थ समझो, उस महापुरुष को हम जानते हैं जिसमें आकार भी है, मूर्तत्व भी है, अमूर्तत्व दोनों है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, प्रकाश रूप है, आदित्य वर्ण है, युति स्वरूप है, अंधकार से परे है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अयनाय, उसको जानने से ही अति मृत्युमेति, अति उपसर्ग को दूर कर दिया वैदिक व्याकरण में, मृत्युम अति एति अन्वय करेंगे मृत्यु को पार कर जाता है। तमेव विद्वा विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, कोई और रास्ता अयन माने पार करने के लिए नहीं है। उस महापुरुष को जानो। बोले तुम कहते हो निर्गुण है, निराकार है, नहीं, उस सब धर्म है, सगुण भी है, साकार भी है, क्या नहीं है। अपाणि पादो जवनो गृहीता, माइक हाथ, माइक पांव नहीं है, अपाणी पाद कहा गया, लेकिन उसमें गुण धर्म है। जवन मने दौड़ता है, गृहीता मने पकड़ता है, पश्यत्य चक्षु सश्रुणोत्य करना है, माइक आंखें नहीं है लेकिन देखता है, चिन्मय आंखें हैं, सश्रुणोत्य करना, अकर्ण माने माइक कान नहीं है, सब कुछ सुनता है। सवेत्ति वेद्यम न चतस्यास्ति वेत्ता, वो सब कुछ जानता है लेकिन उसको जानने वाले कोई नहीं है। तमाहुर अग्रिम पुरुषम महांतम, अग्रम माने सबसे पहले वही था, उससे पहले कुछ नहीं था, उसी को महापुरुष कहते हैं। बोले उसमें विरोधी धर्म भी क्यों आ गए, अपाणी पाद कह रहे हो, अजवन गृहीता कह रहे हो, अचक्षु कह रहे हो, और पश्यति, विरोधी धर्म क्यों हैं। उत्तर देते हैं, अड़ोरणीयान महतो महीयान, अनंत विरोधी धर्म है उसमें, वो छोटा से छोटा है, बड़ा से बड़ा है। आत्मा गुहायाम नेतोस्य जंतो, हर जीव के अंतःकरण में स्थित है, अंतर्यामी रूप से। बोले फिर वो अंतःकरण में है तो अंतःकरण के धर्म उस पर आते हैं क्या। बोले तमक क्रतुम पश्यति वीत शोको, अक्रतु है वो, संकल्प रहित है, उसको कौन देखता है, अनुभव कौन करता है, उसको अनुभव अनुभव करने वाला वीत शोक हो जाता है, माया से पार हो जाता है, उसको कैसे जानेंगे। धातु प्रसादान महिना महिमानमीशम, कृपा से ही जान सकते हो,
ये वेदों में बातें कही गई, अनंत विरोधी धर्म है। बिनु पग चले सुनाए बिनु काना, ये सब चौपाइयां हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वक्ता बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। अस सब बाहीं अलौकिक करनी, रामायण में शिव जी ने उपदेश दिया है अद्वैत तत्व का, है 118। अस सब भात अलौकिक करनी, महिमा जास जाए नहीं भरनी। जास कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रुराई। यानी उसमें अनंत विरोधी धर्म है। जही इम गावही वेद बुध, जाय धरही मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशल पति भगवान। अनंत विरोधी धर्म है, वेदों ने कहा है, श्रुतियां हमने बताया, वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसह परस्तात्। रूप गोचर है, आदित्य वर्ण उसका वर्ण है। इस तरह से सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सबुर अंतर्जामी। उस भगवान के ज्ञान से परमात्मा ब्रह्म सबका ज्ञान हो जाता है। ये कैसे होता है कल बताएंगे।